विपक्ष लोगों ने किया उसको क्या कहते हैं? देखिए, निश्चित रूप से भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और हम सब लोगों का सौभाग्य का विषय है कि भारत में भारत का संविधान, जिसके प्रति हम सब लोगों की आस्था और निष्ठा है, हम उसको संविधान दिवस के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2015 जब कहा कि 26 नवंबर को हम सब लोगों को संविधान दिवस मनाना चाहिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कारण से जो संविधान हम लोगों को प्राप्त हुआ, जिसके कारण से आज हम लोग देश और दुनिया में भारत का परचम लहरा पा रहे हैं, तो उस दिवस के दिन भी जो लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास नहीं करते हैं वही ऐसा काम कर सकते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कल बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि कम से कम संविधान दिवस के दिन पर तो लोगों को संविधान के प्रति आस्था रखनी चाहिए और जिस भवन में हम बैठ करके काम करते हैं उसको प्रणाम करना चाहिए, संविधान को प्रणाम करना चाहिए और जिनके कारण से ये संविधान हमको मिला, देश की आज़ादी मिली, ऐसे लोगों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने चाहिए। तो कल का दिन बहुत बड़ा दिन था और उसमें राजनीति के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, पूरी आस्था निष्ठा विश्वास भरोसे के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए हम सबको अपने संविधान के प्रति श्रद्धा के साथ आगे बढ़ने का संकल्प लेने का कल दिन था और निश्चित रूप से उसमें सबको आना चाहिए था, लेकिन जिनको लोकतंत्र में विश्वास नहीं उन लोगों ने उसका बहिष्कार किया। बैठक पर देखिए, आज हम लोगों ने अपने कार्यों की समीक्षा किया है, हमारे यहाँ नहरों की सफाई चल रही है, जो गड्ढा मुक्ति सड़क का सिंचाई का छोड़ा काम था वो भी चल रहा है, जल जीवन मिशन के कार्यों की हमने समीक्षा किया है, नलकूप विभाग के सभी विभागों की हम लोगों ने समीक्षा किया है, बहुत तेज गति से काम हो रहा है और हम लोगों ने अपने टारगेट तय किए हैं, समय के अनुरूप अपने काम को पूरा करेंगे और जनता जनार्दन को समर्पित करेंगे। मिर्जापुर जनपद अमृत योजना के सालों से मैं अमृत योजना तो देखता नहीं हूँ, लेकिन निश्चित रूप से जल्दी पूरा करने के बारे में मैं मंत्री जी से भी कहूँगा और यहाँ के विभाग के अधिकारियों को भी कहूँगा कि जल्दी से उसको पूरा करें।